दोस्तों YouTube पर कमाई कैसे होती है, लोगों की इनकम कैसे होती है, बहुत सारे लोग इस बारे में डाउटफुल रहते हैं कि ये YouTube पर पैसा कैसे कमाते हैं, यानी कि कहां से आता है वो पैसा। दोस्तों मैं हूं दीपक, आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे YouTube से कमाई होती है, किसी भी यूट्यूबर की इनकम YouTube से कैसे होती है, कहाँ से आता है वो पैसा, किस किस तरीके से YouTube पर कमाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपको बता दूँ, तीन तरीके हैं जहाँ से यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर की कमाई होती है। नंबर वन, YouTube पर जो एडवर्टीजमेंट आती है उससे। नंबर टू, किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप से। नंबर थ्री, किसी भी तरह की मार्केटिंग से। अब तीनों के बारे में डिटेल से हम जान लेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर वन, YouTube से एडवर्टीजमेंट से कमाई। अगर आप बिगनर हैं YouTube पर, आपने एक YouTube चैनल क्रिएट किया, एक वैलिड जीमेल आईडी से एक YouTube चैनल बहुत ईजिली बन जाता है। उसके बाद आप उस पर बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, कुछ एक वीडियो जैसे ही आप डालेंगे, वीडियोस पर व्यूज आने स्टार्ट होंगे, वीडियो पर कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर आएंगे, लोग उसको वॉच करेंगे तो वॉच आवर्स भी आएंगे। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एक वैलिड अकाउंट हो गया, उसके बाद आपने कुछ वीडियोज़ डाल दी, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, यानी कि इसकी जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया यूट्यूब का मोनेटाइज होने के लिए, उसको फुलफिल करे। वो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, मिनिमम आपके 4000 वॉच आवर्स, 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर कम से कम होना चाहिए। ये जब हो जाता है तो आपका चैनल एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइज के लिए। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स आपके हो जाते हैं, आपको YouTube की तरफ से एक मेल आता है, आप वो सारी मेल डिटेल्स फिल करते हैं, एक एडसेंस अकाउंट आप YouTube से लिंक करते हैं और उसमें आप अपनी अकाउंट की डिटेल सबमिट करते हैं। ये सब होने के बाद YouTube के पास आप अपनी पूरी की पूरे इस प्रोजेक्ट को, पूरी की पूरी अपनी प्रोफाइल को रिव्यू के लिए भेजते हैं, वहीं से एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। ये भी मैं वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा कि मोनेटाइज का प्रोसेस कैसे रहता है, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, YouTube आपके चैनल को वेरीफाई करता है, आपके कंटेंट को वेरीफाई करता है, किसी तरह के कॉपीराइट्स तो नहीं लगे हुए हैं, किसी तरह का और किसी का कंटेंट तो आपने यूज़ नहीं किया हुआ है, ये सब वेरीफाई करने के बाद वो आपके चैनल को अप्रूव करता है मोनेटाइज के लिए। जैसे आपका चैनल अप्रूव होता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अब मोनेटाइज होने के बाद आपकी वीडियोज़ पर जो एड्स आने शुरू होते हैं, दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की देखा होगा, जैसे आप वीडियो ऑन स्टार्ट करते हैं ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो एड्स भी बहुत कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ स्किपेबल होते हैं, हम 8-10 सेकंड देखने के बाद स्किप कर सकते हैं, कुछ एक एड्स होते हैं जिन्हें स्किप नहीं कर सकते, लिखा हुआ था वीडियो विल प्ले आफ्टर द एड, आपने पूरा एड देखना पड़ेगा उसके बाद ही आपका वीडियो चलेगा। इस तरह की अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के एड्स होते हैं, उनका अलग अलग प्राइसेस रहता है, यूट्यूब उसी एड का पैसा उस यूट्यूबर को पे करता है, यानी कि किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट आपके चैनल पे आ रही है, यानी कि उसी के एवज में, उसी के बदले में आपको पैसा एक तरीके से आपके चैनल पे आपको मिलेगा। ये तो रहता है यूट्यूब से पैसे का तरीका। यूजुअली ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस किस तरह की है, किस कंट्री में आपकी वीडियो को वॉच किया जा रहा है, उसके ऊपर भी इसका इनकम का पैसा डिपेंड करता है। यानी कि मान लीजिए कभी कभी तो 1000 व्यूज़ पर $1 आ जाएगा और कभी कभी 10,000 व्यूज़ पर भी $1 आएगा, कोई फिक्स नहीं है कि इतने व्यूज़ पर इतना पैसा आएगा, कोई कितने भी आप चाहे यूट्यूब वीडियोज़ देख ले, कोई कितने भी गारंटी दे दे, लेकिन मैं आपको श्योर कर दूँ कोई फिक्स नहीं है कि इतने व्यूज़ पर इतना पैसा आएगा। ये क्लियर कर दूँ, आपकी ऑडियंस कहाँ से है, किस कैटेगरी की है, यानी कि मान लीजिए आप इंडिया के रहने वाले, आपने कोई वीडियो डाला है और आपकी वीडियो अभी राइट नाउ USA के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर कोई भी आपकी ऑडियंस है, चाहे वो इंडियन ही है, वहाँ के लोग अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आपका पैसा और भी ज़्यादा डॉलर में आएगा। यानी कि ऑडियंस पर टोटली डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा लोग वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा आता है। ये डॉलर के अंदर अकाउंट में मनी आती है, आपके अकाउंट में आ जाती है $100 इकट्ठा होने के बाद, $100 जब इकट्ठे हो जाते हैं अमूमन 7-8 हज़ार रुपये, उसके बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये कन्वर्ट ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब आप $100 के बाद ही इस अमाउंट को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि $5 $10 आ गया पैसा निकाल लेंगे, वन टाइम आपके $100 होने ज़रूरी है, उसके बाद ही ये अमाउंट को आप निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये तो तरीका है यूट्यूब से कमाई का। इस तरह किसी भी यूट्यूबर की कमाई होती है। अगर आप छोटे यूट्यूबर की बात करके चले जिसके 10,000 सब्सक्राइबर से लेके लाख सब्सक्राइबर तक हैं, उन यूट्यूबर्स की ऑन एन एवरेज इनकम रफली आइडिया है, उस यूट्यूबर की कमाई 10,000 रुपये से लेकर के 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तक होती है। और अगर बात करें बड़े यूट्यूबर्स की जिनके 10-10 लाख, 20-20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब यूट्यूबर्स की कमाई कई लाखों में होती है। इस तरह यूट्यूब से अच्छा खासा आज के दिन लोग कमाते हैं। कई लोग इसको एज ए पार्ट टाइम एज ए यूज़ करते हैं, एज ए पैशन की तरह वीडियोज़ बनाते हैं। कई लोग एज ए फुल टाइम भी यूट्यूब पर अपना काम करते हैं, यानी कि उनका सोर्स ऑफ इनकम फुल टाइम अब यूट्यूब हो जाता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया स्पॉन्सरशिप। बहुत सारी आप वीडियोस देखते होंगे जिनमें साइड में जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है कोई ना कोई यूट्यूबर किसी ऐप के बारे में बता रहा होता है, ये ऐप यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा। वो ऐप की एक तरीके से वो एडवर्टीजमेंट कर रहा था। वो एक एक्स्ट्रा कमाई है जो यूट्यूब से होगी, वो होगी। वो किसी से पर्सनल आपका एक MOM होता है, पर्सनल आपका एक फिक्स होता है कि आप उसकी ऐड कर रहे हैं आप अपने चैनल में, उसकी आपको एक अलग से पैसे होते हैं। थर्ड होते हैं मार्केटिंग। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखा होगा प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स उनको उसी कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट का वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं कि आप यहाँ से परचेज करें, उसका पैसा भी उन्हें कुछ शेयर आता है। इस तरह से तीन तरीके हैं। जो मेजर कमाई है वो यूट्यूब की तरफ से ऐड के थ्रू ही होती है, ज़्यादातर यूट्यूबर ऐसे ही कमाते हैं। दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द यूट्यूब इनकम। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब से कैसे कमाई होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।